गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप मुझे देख पा रहे होंगे। एंड माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर एजुकेटर। और आज हम बात करेंगे अपने करेंट अफेयर्स की। तो आई होप कि सब लोग यहां पर आ चुके होंगे। गाइस सबको गुड मॉर्निंग, और चलते हैं अपने सेशन की तरफ। चलिए चलिए चलिए, यहां पर जितने भी लोग हैं सबको गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, अपना सीए। और चलिए तो गाइज, हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है, आपको पता ही है। और ये 1499 का कोर्स है जिसमें लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलती है। इसके साथ ही साथ गाइज, हमने टेलीग्राम चैनल्स बनाए, इवन हम खुद आपको कॉल करके इसमें फीडबैक्स लेते हैं। टेलीग्राम चैनल्स पे आपको हम लोग तो मिलते ही, साथ में हमने कुछ मेंटर अपॉइंट किए हैं, जो मेंटर आपको 24/7 आपके डाउट सॉल्व करते हैं। यकीन ना तो किसी से पूछ लीजिएगा, जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल्स में होंगे। तो गाइज 1499 का, जिसमें आपको मैथ के दो टीचर मिलेंगे, दो कोर्स मिलेंगे, रीजनिंग के दो कोर्स मिलेंगे, इंग्लिश का एक कोर्स मिलेगा, जीए का मेरा कोर्स मिलेगा। 1499 में लाइफ टाइम वैलिड है बेटा, तो देख लेना है इस ऑफर को। ऑलरेडी हम लोगों ने करीब 500 एडमिशन कर लिए हैं। थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और ये कैसे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं गाइज, तो हमारे कोर्स के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया होगा। तो लिंक पे जाएंगे, आपको कोर्स के पेज पर आप चले जाएंगे, या और कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे या फिर इस मेल आईडी से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपना सेशन और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट और रिजाइन पर। अपॉइंटमेंट और रिजाइन की बात करेंगे तो न्यूज हमारे पास अपॉइंटमेंट की है। हम बात करेंगे बीरू पक्षा मिश्रा जी की। ये क्या बने हैं? ये बने हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज अगर हम बात करें तो बीरूपक्ष मिश्र यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। पहली न्यूज हमारे सामने ये है, ठीक है। देखिए तो नाम देख लेते हैं, श्री बीरूपक्ष मिश्र टुक चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक, आफ्टर इट अमलगमेशन विथ कॉर्पोरेशन बैंक एंड आंध्रा बैंक। तो गाइज आपको पता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक मर्ज हो गए हैं, तो इस वजह से बीरूपक्ष मिश्र को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। पहले ये कॉर्पोरेशन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो कॉर्पोरेशन बैंक जब मर्ज हो गया है ना, तो इसलिए इनको इसमें यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपॉइंट कर दिया गया। तो ये हमारी पहली न्यूज थी जो हमने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी। नींद नहीं खुली यार, ऐसा नहीं है, नींद खुल गई, लेकिन होता है क्या ना कि मैं कुछ ऐसे काम में लग गया जो मुझे नहीं लगना चाहिए था। मतलब अभी क्या होता कि मुझे नहाना वहाना था, लेकिन कुछ बच्चे अपने बच्चे होते हैं जिन्हें समझाना बहुत जरूरी होता है अपने ग्रुप ऊपर, तो मैं थोड़ा सा वहाँ ग्रुप में बच्चों को समझा रहा था कुछ बात, तो मुझे टाइम नहीं मिला बाल वाल धोने का। चलो कोई बात नहीं, सब मोह माया है। दिखावट क्या है? मोह माया है। सुंदरता क्या है? मोह माया है। बाल बाल क्या है? मोह माया है ना। सब खत्म हो जाना एक दिन, मिट्टी से आए थे मिट्टी मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये 11 नवंबर 1990 को बना, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके एमडी सीईओ है राजकिरण राय जी। आपको पता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन किसने किया था जब ये खुला था 1919 में? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बाई महात्मा गांधी जी इन 1919। आपके बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड बाई महात्मा गांधी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब आपको दूसरी न्यूज पे लेके चलते हैं अपॉइंटमेंट के, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सिंडिकेट बैंक और आंध्रा बैंक। तो सिंडिकेट बैंक और आंध्रा बैंक के जो चीफ थे वो अपॉइंट हुए हैं ऑफिसर ऑफ ऑन स्पेशल ड्यूटी इन कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइज आपको मालूम है कि आंध्रा बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया और सिंडिकेट बैंक कैनरा में मर्ज हो गया, तो ये मर्ज होने पर ऑफिशियल्स का ट्रांसफर तो होना ही होना है। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। देखिए नाम थोड़े से टफ है, आपको याद करना पड़ेगा। तो पहला नाम है जे पैकेरी सामी और दूसरा नाम है मृत्युंजय महापात्रा, ठीक। देखो तो जे पैकेरी सामी और मृत्युंजय महापात्रा, ठीक, जो ये एक लोग आंध्रा बैंक के सीईओ थे और एक लोग सिंडिकेट बैंक के सीईओ थे। अब इनको ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एंड कैनरा बैंक में। मर्ज हुए हैं तो कुछ तो चेंज होगा। आइए आपको और इसे क्लियर करते हैं। देखिए अच्छा क्लियर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए तो अगर हम बात करें, देखिए तो जे पैकेरी सामी जो है बेटा, ये इनकी अगर बात करें तो ये किसमें थे? ये सिंडिकेट बैंक में थे। तो अभी ये कहां चले गए हैं? ये चले गए हैं कहां पर? देखो कैनरा बैंक में।
मृत्युंजय महापात्रा की बात करें तो ये क्या है, ये आंध्रा बैंक में थे तो अभी कहां चले गए हैं, ये चले गए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। चाइनीज नेम जैसा है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े और अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की, जो कि बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी को है। कल आप लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों ने बोला कि सेशन छोटा था, न्यूज कम थी। देखो पहली बात की मैंने बहुत लंबे लॉन्ग टर्म पे मैंने फीडबैक लिया अपना, अपने करंट अफेयर्स का। आप लोग तो डेली आते हो, आप लोग तो मतलब अच्छा ही बोलोगे, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि बहुत लेंथी हो जाता है करंट अफेयर्स। तो जब मैं करंट अफेयर्स को बनाता था तो मुझे लगता था कि केवल करंट अफेयर्स इज नॉट इनफ, आपको रिविजन कराना भी जरूरी है। लेकिन वो रिवीजन कराने वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चों को नेगेटिव लगा कि नहीं लंबा हो जाता है, और मैंने कमेंट भी देखे थे। तो अभी रिवीजन वाले पॉइंट को मैंने हटा दिया है, आपको जैसा चाहिए वैसा मैं आपको दे रहा हूं, देखता हूं अभी आपका फीडबैक क्या होता है इस पर। चलिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इंक्रीज कोविड 19 रिस्पॉन्स पैकेज टू $20 बिलियन फ्रॉम $6.5 बिलियन। तो गाइज आपको पता है, आपको पता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसने $6.5 बिलियन का पैकेज की घोषणा की थी फॉर द कोविड 19, लेकिन अब इसने अपने पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है, मतलब वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा। वर्ल्ड बैंक $14 बिलियन की बात कर रहे थे, है ना। देखिए, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने कोविड 19 पैंडेमिक से बचाने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए $20 बिलियन का रिस्पांस फंड की घोषणा कर दी है, जो पहले $6.5 बिलियन थी। और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी भारत की ग्रोथ रेट को भी 4% बोला था ना, ये 4% होने वाली है, तो ये भी हमने आपको बता दिया है। हाँ, ये तो क्या है, ये तो अभी हमारा पॉइंट है, देखते हैं अभी आगे। देखो, चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर, तो जब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, भले मेरा एक ही बच्चा दे, है ना। तो अभी करते हैं, देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं गाइस। अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर ले, न्यूज समझ में आई। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $6.5 बिलियन के पैकेज की बात बोली थी, जो इंक्रीज करके $20 बिलियन कर दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर मनीला में है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रेसिडेंट मासातोसु असकावा है, जो कि नए अपॉइंट हुए हैं, ये भी देख लीजिएगा। 68 कंट्रीज मेंबरशिप में है और 19 दिसंबर 1966 इसका फाउंडिंग ईयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट ने इंडिया की जीडीपी को 4% अभी कहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे गाइस और अब बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस एंड टेक में हमारे पास कौन कौन सी न्यूज है, तो पहले ही हम बात करेंगे इस पर, पहले हम बात करेंगे स्टेथोस्कोप पे। गाइस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेथोस्कोप? ये जो डॉक्टर नहीं लगाते हैं आला, जिन्हें आला बोलते हैं, वो लगाकर कान में वो हमारी हार्ट बीट वेट और ये सब देखते हैं ना, सुनते हैं सांसों तुम्हारी। तो आईआईटी बॉम्बे की टीम ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप डेवलप किया। इसके थ्रू मतलब डॉक्टर को दूर से ही मरीज का जो भी चेकअप करना है वो कर सकते हैं, पास जाने की जरूरत नहीं है। और अगर डॉक्टर पास नहीं जाएगा तो कोरोना वायरस के इंफेक्शन का खतरा भी कम रहेगा। तो आईआईटी बॉम्बे की टीम ने ये एक रिमोट स्टेथोस्कोप डेवलप किया। आइए देखिए, अ टीम ऑफ रिसर्चर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे वाज डेवलप द डिजिटल स्टेथोस्कोप for healthcare professionals to help them listen and record heartbeats from a distance. तो एक बात ये समझ लीजिए कि डिजिटल स्टेथोस्कोप किसने डेवलप किया है, आईआईटी बॉम्बे की टीम ने। इसका नाम क्या होगा वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। इसका नाम है आयुसिंक, ये इसका नाम है। आयुसिंक कैसे याद करें, एक नाम होता है गर्ल्स में आयुषी, आयुषी से आयुसिंक याद कर लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं केवल, ठीक है। हैज बीन डेवलप्ड बाय द आयु डिवाइसेस, अ स्टार्टअप ऑफ आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे का अपना एक स्टार्टअप है आयु डिवाइस, उसने ये आयु सिंक नाम से ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, याद कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और साइंस एंड टेक में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं, और यहां पर हम गूगल पे की बात करेंगे। तो गूगल पे लॉन्चेस नियर बाई स्पॉट टू हेल्प यूजर्स फाइंड लोकल स्टोर्स सेलिंग इसेंशियल। आप कहीं जाते हैं, आपको कुछ भी ढूंढना होता है, फॉर एग्जाम्पल ATM या फिर कुछ भी, आप बोल डालते हैं ना ATMs near me। तो गूगल पे में अपने, गूगल पे की बात कर रहे हैं, गूगल पे के एप्लीकेशन पे आपको नियर बाई स्पॉट सर्च करना है। आपके घर के आसपास अगर कोई राशन की दुकान है, कोई शॉप शॉप खुली हैं, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Google Pay launches nearby spot to help users find local store selling essential.
ऐसे लोकल स्टोर जो कि खुले हुए हैं, इसेंशियल सामान दे रहे हैं, वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं गूगल। तो गूगल हैज लॉन्च नियर बाई स्पॉट अंडर गूगल पे यूजिंग विच यूजर्स कैन सी लोकल स्टोर सेलिंग एसेंशियल लाइक ग्रोसरीज दैट आर ओपन एमिड द लॉकडाउन। लॉकडाउन में ऐसे ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स या फिर नॉर्मल स्टोर्स जो खुले हैं आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। गूगल पे पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नियर बाई स्पॉट जो है ये बेंगलुरु से शुरू हुआ है, ये बेंगलोर में शुरू हो गया है और हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे, दिल्ली में ये आने वाला है। बेंगलोर में ये शुरू हो गया है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हाँ, कल हम लोगों ने नहीं सुरेश जी, कल हम लोगों ने गूगल और एप्पल वाली इंफॉर्मेशन दी है, वो अलग इंफॉर्मेशन है इससे, ठीक है। चलिए, हाँ, एप्पल ने डार्क क्लाउड को अक्वायर कर लिया, रॉक माइकल, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, गूगल पे की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गूगल पे की बात करें, 2015 में इसे बनाया गया, मतलब एंड्रॉयड, ये इसका नाम पहले कुछ और था, तेज था, और 18 में इसका नाम पड़ गया गूगल पे। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, ये इंडिया की टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा, और इसके एमडी और बिजनेस हेड हैं सजीत शिवानंदन, ठीक है। तो एक पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा। आइए, तो हमने ये कुछ पॉइंट आपको बता दिया। झारखंड में कभी नहीं आ सकता निधि जी, झारखंड के लोग तो खुद ही मतलब काफी अच्छे हैं, समृद्ध टाइप के लोग हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं, और यहां पर हम बात करेंगे कोविड ज्ञान की। कोविड ज्ञान, तो साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव कोविड ज्ञान लॉन्च। आप गाइस देख पा रहे हैं, कोविड ज्ञान आपको यहां पर एक तरह का, यहां पर वेब पोर्टल पे इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी कोरोना वायरस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। कोविड ज्ञान, कोविड ज्ञान नाम से कुछ मालूम चल रहा है हमको, आइए बात समझते हैं। An initiative, COVID Gyan, has been launched by the Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science and Tata Memorial Center. तो COVID Gyan नाम का जो initiative है वो Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science IISc Bengaluru और Tata Memorial Center ने बनाया है। कोविड ज्ञान मतलब आपको कोविड का ज्ञान मिलेगा। इट इज अ मल्टी इंस्टीट्यूशनल मल्टीलिंगुअल साइंस कम्युनिकेशन इनिशिएटिव दैट हैज बीन लॉन्च्ड टू ब्रिंग द साइंटिफिक एंड फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ कोविड 19 पैंडेमिक आउटब्रेक ऑन द पब्लिक डोमेन। कहने का मतलब क्या है गाइस, कि एक स्टैंडर्ड लेवल की चीज है, इसमें काफी हाई लेवल के लोग लगे हुए हैं, हाई लेवल के इंस्टीट्यूशन लगे हैं जो कि आपको साइंटिफिक और फैक्चुअल जो भी इंफॉर्मेशन कोविड 19 के बारे में है वो यहां पर प्रोवाइड करेंगे। कोविड ज्ञान, नाम से मालूम चल रहा है कोरोना वायरस के प्रति ज्ञान, कोविड ज्ञान। किसने लॉन्च किया है तो वो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टाटा मेमोरियल सेंटर, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और ये पॉइंट तो हमारा हो गया। अब साइंस एंड टेक में न्यूज नंबर 4 की बात करेंगे, एक नया मेडिसिन। कुछ दिन पहले तक हमें एक मेडिसिन के बारे में मालूम चला था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, जो कि एक एंटी मलेरियल ड्रग था जिसका पूरे वर्ल्ड में डंका बच गया। अब एक नई मेडिसिन का नाम सामने आया है, देख लीजिए, इसका नाम है रेमडेसिविर मतलब मेडिसिन होता है रेमडेसिविर। तो आईसीएमआर ने बताया है कि रेमडेसिविर इफेक्टिव इन स्टॉपिंग रेप्लिकेशंस मैकेनिज्म ऑफ कोविड 19। तो जो रेप्लिकेशंस हो सकता है कोविड 19 के पेशेंट को, उसको रोकने में मदद कर रही है रेमडेसिविर नाम की मेडिसिन, ठीक। आइए देखते हैं, आपको दिखाते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अनाउंस किया है एक एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर। एंटीवायरल का मतलब उसमें वायरल फीवर होता है हमको, तो उसमें ये दिया जाता है। तो ये काफी इफेक्टिव पाया गया है स्टॉपिंग द रेप्लिकेशन ऑफ कोविड 19। मैं आपको बताऊं, अभी ये पूरा पूरी तरह से माना नहीं गया है, अभी ये अब इसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन आईसीएमआर ने बोल दिया कि हाँ ये काम करेगा। द रिसर्च ऑन द एफिशिएंसी ऑफ रेमडेसिविर इज अ पार्ट ऑफ WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल। गाइस आपको बताए ना कि WHO ने 4 बड़े बड़े ट्रायल करवाए थे जिन्हें हम सॉलिडेरिटी ट्रायल बोल रहे थे, याद है। तो सॉलिडेरिटी ट्रायल में इसकी एफिशिएंसी को देखा गया, ठीक है। तो वहां से रिकमेंडेशन दिया गया हर देश के जो भी मतलब प्रॉपर मतलब से इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सारे रिकमेंडेशन डॉक्टर्स को दे रही है। तो हर देश में जो जो संस्था इस लेवल की है उसको ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि रेमडेसिविर काम कर रहा है रेप्लिकेशन को रोकने में, ठीक है, याद रख लीजिएगा।
चलिए आईसीएमआर की बात करें, हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका, और डॉक्टर बलराम भार्गवा इसके सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल है, फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1911 में इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं अपने इंटरनेशनल अफेयर्स की। यूएस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑल 50 स्टेट अंडर डिजास्टर डिक्लेरेशन में आ गए हैं, पहली बार यूएस की हिस्ट्री में, पहली बार 500 स्टेट देख लीजिए यहां पर, तो ऑल 50 स्टेट्स आर अंडर अ मेजर डिजास्टर डिक्लेरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूएस हिस्ट्री आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रंप अप्रूव्ड व्योमिंग्स डिक्लेरेशन 11th। सबसे पहली बात आपको व्योमिंग डिक्लेरेशन के बारे में समझना होगा, यूएस का 50वां स्टेट, यूएस का ये स्टेट है, व्योमिंग एक जगह है, ठीक है, स्टेट है, तो अगर वो वहां पर भी अगर मान लो उसे भी मतलब कि डिजास्टर में डिक्लेयर किया गया तो मतलब पूरे यूएस में है मान लिया जाता है। तो व्योमिंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है बेटा कि सबसे लास्ट स्टेट वही है, अगर वहां भी कुछ डिजास्टर आ गया तो मतलब यूएस में पूरा दिक्कत है। तो एक पॉइंट हमने आपको यह बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब यूएस के बारे में, वहां करेंसी यूएस डॉलर है और राष्ट्रपति कौन है ये सब आपको मालूम ही है, तो क्या बताऊं मैं। आगे बढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स की बात करें गाइस, तो आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में क्रूड ऑयल काफी सस्ता हो गया था, तो इंडिया ने देख के मौका मार दिया चौका और इंडिया ने ऑयल शिप ऑयल खरीदा, काफी खरीदा अपने रिजर्व को भरने के लिए। तो फर्स्ट शिप लोड ऑफ क्रूड ऑयल रीचेस इंडिया, तो पहला शिप आ गया है इंडिया में जो कि क्रूड ऑयल को पूरा भरकर आया है। कहां से आया है वो देखिए, यूएई से आया है। द फर्स्ट शिप ऑफ क्रूड ऑयल ऑफ 1 मिलियन बैरल फ्रॉम यूएई हैज रीच इंडिया। तो 1 मिलियन बैरल का एक क्रूड ऑयल टैंकर, एक शिप हमारे देश में आ चुका है। इंडिया हैज एन इमरजेंसी स्टोरेज ऑफ 5.33 मिलियन टन। तो इंडिया की बात करें, इंडिया के पास 5.33 मिलियन टन का स्टोरेज है, जिसमें 1 मिलियन बैरल का तेल तो हमारे पास आ चुका है, ठीक है, यूएई से आया है। और मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखाता हूं, देखिए, द ऑयल प्राइस हैव डिक्लाइन बाई 60% सिंस जनवरी 2020। तो जनवरी से ऑयल का प्राइस 60% तक गिर गया, ठीक। और भविष्य की बात करें तो भविष्य में कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल की परसों मैंने पढ़ाया था कि ओपेक कंट्रीज की मीटिंग हो गई है और ये 10% की कटौती करने वाले हैं प्रोडक्शन में। यानी कि गवर्नमेंट को मालूम था कि फ्यूचर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस महंगे हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने इस सस्ते क्रूड ऑयल के इस टाइम पर सस्ते क्रूड ऑयल की डिमांड की परचेजिंग की, ठीक है। आपको और दिखा दें, देखिए इंडिया के ऑयल रिजर्व की बात कर लें, तो भारत का जो ऑयल रिजर्व है वो मैंगलोर, पादुर और विशाखापट्टनम में है। और अगर बात करें तो द पादुर ऑयल स्टोरेज इज द बिगेस्ट एट ऑल थ्री स्टोरेज, इट कैन स्टोर 17 मिलियन बैरल, मीन्स 2.5 मिलियन टन। बहुत ध्यान से देखना, अगर फिर से एक बार हम तुम्हें न्यूज पे लेके चलें, तो मैंने क्या बताया कि इंडिया की स्टोरेज कैपेसिटी 5.33 मिलियन टन है, यानी इंडिया के पास 3 ऑयल रिजर्व है जो 5.33 मिलियन टन ऑयल को स्टोर कर सकते हैं, जिसमें अगर पादुर की बात करें तो पादुर का जो ऑयल स्टोरेज है वो बेटा 2.5 मिलियन टन अकेले स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद मैंगलोर का बचा हुआ है और विशाखापट्टनम का बचा हुआ है। ये हम ऑयल रिजर्व की बात कर रहे थे, कि आपको इन्फॉर्मेशन एक दे रहे थे, स्टैटिक देख लीजिएगा। हाँ, कर्नाटक का अरविंद, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेशनल अफेयर्स की बात करें गाइस, तो आपको पता है कि लॉकडाउन हमारे देश में 3 मई तक बढ़ गया, वो तो सबको पता है। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने भाषण में सप्तपदी की बात की थी। सप्तपदी, हालांकि आप लोग जानते होंगे हम लोग ये नाम, अगर आप यूपी से हैं तो आपको मालूम चलता होगा, हम लोग पढ़ते हैं ये सब नाम ना, सप्तपदी क्या है, तो ये संस्कृत वर्ड है। तो सप्तपदी का मतलब 7 चीजों पर बात बोली है हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। ये सप्तपदी वर्ड ट्रेंड में चला गया है, इसीलिए ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। तो सप्तपदी का मतलब होता है 7 मंत्र। अब ये 7 मंत्र कौन कौन से हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा 7 मंत्र कौन से दिए पीएम मोदी जी ने। पहला कि अपने घर के सीनियर सिटीजन की आपको देखभाल करनी है, क्योंकि कोरोना वायरस का ज्यादा इंपैक्ट उन्हीं पर पड़ रहा है, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, लॉकडाउन की बातें माननी है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की गाइडलाइंस पर काम करना होगा। उसके बाद आरोग्य सेतु एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, आपको गरीबों को शेल्टर
और खाना देना चाहिए। कंपैशन टुवर्ड्स कलीग्स एंड अवॉइड पेमेंट कट एंड जॉब कट, मतलब कि जो भी आपके कलीग्स हैं या आपके अंडर में काम करते हैं उनको आप जॉब से मत निकालिए, उनको आप जॉब से मत निकालिए, न तो उनकी सैलरी कम करिए। और शोइंग रिस्पेक्ट टू हेल्थ प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, नर्सेस एंड सैनिटेशन वर्कर्स। तो आपको ये मालूम चल गया, सातों पॉइंट आपको पता है। आप बोलेंगे सर क्या एग्जाम में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ये वर्ड ट्रेंड हुआ है, एग्जाम में आ सकता है। हो सकता हो कि आपसे ये बोला जाए कि इसमें से कौन सा पॉइंट था जो सप्तपदी में नहीं था। तो ये सातों पॉइंट आपको अपने माइंड में बैठा लेने हैं, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलिए आगे बढ़े गाइस। अब देखिए, ये देखिए, तो मुझे लग रहा है कि आफ्टर 20 अप्रैल हमारे देश में कुछ सेक्टर्स ओपन किए जाएंगे, और ये सेक्टर्स ओपन कैसे किए जाएंगे वो देख लीजिए, ध्यान से देखिए। तो सेंटर टू पास, केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है टू गिव स्टेट्स फ्लेक्सिबिलिटी टू रेज वर्क आवर ऑफ एम्प्लॉय। मतलब कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने राज्यों को पावर दे दिया है वर्क आवर में फ्लेक्सिबिलिटी करने के लिए। मतलब इसके पहले क्या था, इसके पहले जो वर्किंग आवर का टाइम था वो 8 घंटे था, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया है। तो 12 घंटे करने का मतलब ये हुआ गाइस कि मतलब 12 घंटे काम करने का मतलब ये होगा कि पहले तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉय काम करने नहीं आएंगे, तो आप किसी एक एम्प्लॉय से 12 घंटे काम करवा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप उन्हें शिफ्ट में डिवाइड कर सकते हो। शिफ्ट में डिवाइड करने का फायदा ये होगा कि आप एक टाइम पर कम एम्प्लॉय से काम करवा सकते हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए। तो सेंटर ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है विच विल अलाउ द स्टेट गवर्नमेंट द फ्लेक्सिबिलिटी टू इंक्रीज द वर्क आवर। मतलब कि अब ये वर्क आवर 12 घंटे कर दिया गया है पर डे, जो कि पहले 8 घंटे था। तो 12 घंटे का फायदा क्या हुआ गाइस, आपको समझ में आ गया? 12 घंटे करने से क्या होगा, ये अच्छा हो जाएगा कि मतलब पहली बात की जो एम्प्लॉय के शॉर्टेज है, शॉर्टेज की वजह से अगर एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं तो एक बंदा 12 घंटे काम करके वो एफिशिएंसी ला सकता है। नहीं तो आप शिफ्ट में डिवाइड कर दो, वैसे भी कम लोग होंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी। ये कोरोना वायरस ने सब कुछ खराब कर दिया है। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। पहले क्या था, 8 घंटे का काम था और 48 आवर अ वीक, एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम आपको नहीं करना होता था। लेकिन अभी इसे इंक्रीज करके कितना कर दिया जाएगा, 12 घंटे का मतलब आपको एक दिन में 12 घंटे काम करने हैं और 72 आवर अ वीक। लेकिन ये क्यों किया गया वो भी समझ लीजिए। देखिए, विल हेल्प एड्रेस लेबर शॉर्टेज, लेबर की जो शॉर्टेज हो रही है उससे हेल्प होगी। विल हेल्प कंपनीज अडहियर टू सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। अब चूंकि 12 घंटे का है तो मैंने क्या बोला, आप शिफ्ट में डिवाइड कर सकते हो तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी। वर्कर विल वर्क इन एक्सटेंडेड शिफ्ट, वही मैं जो आपको बोल रहा था, है ना। तो ये भी देख लीजिएगा, वैसे भी शायद बैंकों में, प्रवेश अगर मैं गलत नहीं हूं तो बैंकों में ऐसा कर दिया है ना कि एक दिन कोई काम करेगा, एक दिन कोई काम करेगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट की, और यहां पर हम बात करेंगे वर्ल्ड चगास डिसीज की। आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है एक ये डिसीज होती है इस ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जीव उसकी वजह से तो 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो पूरी कहानी पढ़ने से मतलब नहीं है, आपको डेज और थीम पर ध्यान देना होता है। तो इसकी थीम तो है नहीं, तो वर्ल्ड चगास डिजीज डे 14 अप्रैल मतलब कल ये सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, और फॉर द फर्स्ट टाइम किया गया तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर ये नहीं हुआ है, कल तो मेरे पास फोन आया था, हो सकता है प्रोफेसर आप आगे हो जाएगा आपके बैंक में, देख लीजिएगा एक बार, ये हो जाएगा सर, मेरे पास कॉल आ चुकी है इंटरनल सोर्सेस से, आप देख लीजिएगा। आपको मैंने अच्छी अच्छी खबर सुना दी है। चलिए एक्स्ट्रा लाइट न्यूज नंबर 2, इंडियन आर्मी ऑब्जर्व 36th सियाचिन डे ऑन 13th अप्रैल। तो भारतीय सेना ने 13 अप्रैल को 36वीं सियाचिन डे सेलिब्रेट की, ठीक है, 36वीं सियाचिन डे सेलिब्रेट किया इंडियन आर्मी ने। आइए आपको समझाते हैं पूरी न्यूज। सियाचिन डे की हम बात करें गाइस, पहले पाकिस्तान का इस पे अधिकार था, जब बर्फ वहां पे जमती थी तो पाकिस्तानी सैनिक आ जाते थे नीचे, और इंडिया ने क्या किया, जब बर्फ जमी तो इंडियन सोल्जर वहां चले गए और पहले से ही मोर्चा संभाल लिए, और जब बर्फ पिघली, जब पाकिस्तानी आए तो वहां पे काम तमाम कर दिया गया, और तब से इंडिया का इस पर कब्जा हो गया। तो हाइएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड सियाचिन, ठीक है, उसकी हम बात कर रहे थे। चलिए
निधि बेटा हो जाएगा बता रहे, हो जाएगा ना सर। ऑन अप्रैल 13, 19, ये सारे बैंक वाले ये समझ ले। और प्रोफेसर ये न्यूज आप भाभी को सुनाइएगा, भाभी खुश आएंगे, बताइएगा कि मैंने बताया ये चीज। तो तुम लोग यार मुझे बहुत हल्के मिले थे कभी कभी, बहुत दुख होता है मुझे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बस आंख से आंसू निकलता नहीं है भाई। और वैसे भी मेरे आंसू देश के लिए सूख चुके हैं। ऑन अप्रैल 13, 1984 इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत किया था, जो मैंने आपको अभी बताया, पूरी कहानी बताई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और एक्स्ट्रा लाइट में नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो भारत सरकार ने 20 कंट्रोल रूम्स बनाए हैं सेटअप टू एड्रेस द वेज रिलेटेड इश्यूज। गाइस तो आपको बताया कि हमारे देश में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते थे, जिनके पास डेली कमाओ डेली खाओ वाला हिसाब किताब था, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आपने कल देखा कि बांद्रा में, मुंबई में बांद्रा में जो भीड़ लग गई। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मैं आपको रियलिटी बताऊं, बांद्रा में दो स्टेशन, एक जहां पर ट्रेन चलती है और एक जहां पर लोकल्स चलती हैं। और पता है कल भीड़ कहां लगी थी? लोकल्स पे। अगर वो मजदूर थे और वो कह रहे थे मुझे अपना घर जाना है, तो यार ये तो वही बात हो गई कि मैं नोएडा में किसी बस स्टॉप पे खड़ा हो जाऊं और बोलूं मुझे मिर्जापुर जाना है लोकल बस स्टॉप पे, ऐसा होगा क्या? हमारे देश में सबसे गंदी चीज क्या है? पॉलिटिक्स है। और ये पॉलिटिक्स किसी की जान लेने में भी पीछे नहीं हटती है, ये हमें समझना पड़ेगा किसी दिन, ये हमें समझना पड़ेगा। कल वाली घटना बहुत दुखदाई लगी मुझे कि लोग पॉलिटिक्स में कितने गंदे स्तर पर उतर जाते हैं। आइए, तो 20 कंट्रोल रूम सेटअप किए गए हैं फॉर द लेबर्स, उन्हें प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है उसके लिए। तो 20 ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 20 कंट्रोल रूम्स इतना याद रख लीजिएगा बस। आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे बात करें तो यूएस अप्रूव मिसाइल सेल्स टू इंडिया, अमेरिका ने भारत को मिसाइल बिक्री की मंजूरी दे दी है, ठीक है। आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स अप्रूव्ड मिसाइल सेल टू इंडिया, तो मिसाइल सेल को अप्रूवल मिल गया है और इंडिया वहां से टॉर्पीडो लाइटवेट मिसाइल ले रहा है और हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल ले रहा है। मैं चाहता था इसका नाम भी दे सकता था आपको, नाम भी था, लेकिन वो सब इतना एग्जाम में डीप में नहीं पूछते। आपको बस याद रखना है कि जो मिसाइल डील हुई है वो $155 मिलियन की हुई है, इतना याद रखिए बस। इसमें टॉर्पीडोज है और हार्पून है, इतना बस आपको याद रखना है और पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बाल ठाकरे, ये जो हुआ है प्रोफेसर ना, मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, बांद्रा का जो लोकल वाला होता है ना प्लेटफॉर्म सर, वहां पर भीड़ लगी थी और ये बताया गया कि लोग को अपने घर जाना है, बिहार यूपी जाना है। कोई इतना बेवकूफ नहीं होगा सर कि जो लोकल्स पे खड़ा होकर ये बोलेगा कि मुझे बिहार जाना है, स्टेशन पे नहीं है थे वो लोग। इंडिया टू होस्ट एशियन चैंपियनशिप इन नवंबर दिसंबर दिस ईयर बॉक्सिंग फेडरेशन, तो भारत इस साल नवंबर और दिसंबर में एशियाई चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, यह हमारे देश की मुक्केबाजी संघ ने बोला है, ठीक है। देखिए, द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज स्टेटेड इट विल होस्ट द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन इन नवंबर एंड दिसंबर। अगर कोरोना वायरस का आउटब्रेक ठीक होता है तो नवंबर दिसंबर में एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी इंडिया करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं अपने एमसीक्यूज की। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने, विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड द वेब पोर्टल युक्ति टू मॉनिटर एंड रिकॉर्ड इट्स एफर्ट एंड इनिशिएटिव अमिड कोविड-19, व्हाट इज द आंसर? वी हैव ऑप्शन, यार वो पूरा अंदर क्या था, बम विस्फोट था, एक बंदा भी इंफेक्टेड होगा ना पूरी गवर्नमेंट की, यार इस समय मतलब आप समझो, आप सबको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, हम सबको उठानी पड़ेगी, ये सब नहीं होने चाहिए, वरना कोरोना वायरस इतनी तेजी से फैलेगा ना, आप लोग समझ नहीं रहो। आप डेटा पढ़ोगे ना, 5,000 कोरोना वायरस मरीज जो थे ना बेटा मरीज, इंडिया, यूएस, इटली, हर देश में जो स्पीड जो हम लोग अपनी बढ़ाई कर रहे हैं ना कि हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्पीड 5,000 की थी ना, वो सेम स्पीड थी यूएस में भी, सेम स्पीड थी इटली में भी, स्पेन में भी, और 5,000 के बाद जो ऊंचाई चली है ना वो एक डिजास्टर थी, समझिएगा मेरी बात। कम्युनिटी इन्फेक्शन, और ये हमारे देश में लोग, कुछ लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो, गलत चीज है, ये गलत चीज है, बहुत गलत चीज है। The center has planned to set up a chain Suraksha store across the country to provide daily essential. कितने सुरक्षा स्टोर बनाए जाएंगे, मैंने कल आपको पढ़ाया था।
आंसर दीजिए जरा. एंड द आंसर इज 20 लाख. 20 लाख बनाए जाएंगे. ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. What is the estimated growth rate of India's GDP for the fiscal 2021 as predicted recently by the World Bank? By the World Bank, what is the answer? और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1.5% to 2.8% है. ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर. 1.5% to 2.8%. आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है कि एक्स्ट्रा पॉइंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन वो मैं कन्वे ना करूं, वो पीडीएफ में होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट, महाप्रसाद अधिकारी हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री? आंसर इज नेपाल. ऑप्शन नंबर बी. नेपाल ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर. नेम द टू टेक जायंट्स which have collaborated to launch COVID-19 contact tracing technology as a tool to contain the spread of COVID-19. तो ये आप लोग जानते ही हैं, आप लोग तो सर्वज्ञानी हो चुके हैं इस समय. आंसर क्या होगा? एप्पल, गूगल. ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर. Who has been signed as the brand ambassador for mobile premier league? तो मैं क्या बोलूं, आप लोगों को पता ही है. तो मोबाइल प्रीमियर लीग की ब्रांड एम्बेसडर बनी है तमन्ना भाटिया. और अगर बात करें महिंद्रा का जो एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट है उसके अजिंक्य रहाणे और जेबीएल की सनाली खान. नेम द न्यू चैनल दैट विल एयर क्लासिक शो एंड हैज बीन लॉन्च बाय पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती. तो ये भी आपको कल बताया गया था और आप लोग को पक्का याद होगा ये क्या इसका मतलब है, क्या इसका आंसर है. And the answer is DD Retro, option number A. DD Retro, option number A is right answer. DD Retro, option number A is right answer. Let's move to our question number 8. Which institution in its report has slashed India growth projections to 1. तो ये देखो, question वही है, language थोड़ी change हो गई है. World Bank है, option number D. World Bank हमारा सही answer है. Computer जी ने question बनाए हैं. Which state has launched a food bank with the aim to help the poor and needy facing scarcity of essential commodities during the lockdown? तो food bank के बारे में बात करें तो ये हमको पता है. आज दिन के 12 बजे आपकी COVID-19 पर MCQs क्लास है. दिन के 12 बजे COVID-19 का ये सेकंड पार्ट है. And the answer is Manipur, option number C. Max Life Insurance has announced to extension of its partnership with which bank? ये भी आपको पढ़ाया गया था. एंड द आंसर इज यस बैंक, ऑप्शन नंबर ई. यस बैंक ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर. विच नेशनल पार्क हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट क्वाटाइन फैसिलिटी फॉर एनिमल? ये भी कल मैंने पढ़ाया था आपको. एंड द आंसर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर. और आज जो मेरी क्लास है, वेरी गुड कंप्यूटर जी, काफी अच्छा काम कर रहे हैं. आज जो मेरी क्लास इनके 12 बजे वो COVID-19 पर एमसीक्यूज, तो फॉलो करिए हमें. और आप हमारे सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है. थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए. मिलते हैं दिन के 12 बजे फॉर द COVID-19 एमसीक्यूज. थैंक यू सो मच.